हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम बनाएंगे चावल के आटे से एक टेस्टी रेसिपी। तो बिना लेट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बोल पे आधा कप चावल का आटा डाला है। फिर डाला है मैंने यहाँ एक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज और दो हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से अपने मन पसंदीदा कोई भी सब्जी यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर डाला है मैंने यहाँ एक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आपके पास अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से ही इसमें पानी डालिए। और इसका जो ये बैटर है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे नाश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। अब क्या करना है, अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिलाते जाना है। अब ये देखिए हमारा घोल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे और 10 मिनट होने के बाद ढक्कन को हटा के हम इसे फिर से एक बार के लिए मिला लेंगे। नाश्ते को बनाने के लिए अब हम तवे को गरम कर लेंगे। तवे को हमें मीडियम गरम ही कर लेना है। अब हम तवे में एक चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरीके से चारों तरफ से फैला लेंगे। आप चाहे तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को लो पे रख कर एक दो चम्मच के आसपास हम इसमें बैटर डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से फैला लें और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हमने सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। फ्लेम को अब हमें मीडियम पर रख देना है और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसे हमें पलट लेना है। अब हम इसमें ऊपर से भी एक चम्मच तेल डाल देंगे। आप तेल डालें या ना डालें ये आपकी मर्जी है। अब हम इसे पलट लेंगे और एक बार जब ये कच्चा हो आप इसे ना ही पलटे, नहीं तो ये टूट जाती है। तो अब इसे ऐसे ही अलट पलट करते करते अच्छी तरह से पका ले। और आज ना मुझे ऐसे ही घूमते फिरते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जो कि मैं आप सबके साथ आने वाले वीडियोस पे शेयर करूँगी। यूट्यूब पे बहुत लोग बहुत से चैलेंजेस करते हैं, बट ऐसा किसी ने किया होगा मुझे नहीं पता। तो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।